नारायण जी के बारे में कहा, जो सुशील पवान के बारे में कहा, जो आपको बम बम पहलवान के बारे में कहा, जो घसियारी टोला कहते हैं रामचंद्र पहलवान उनके बारे में कहा, वो लोग अलग भौर भोकर में भी थे पहलवान, भौर भोकर में थे, लेकिन ये नाम इतना ऊंचा कद नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो एक विपद गोप हुए हैं वो भी क्या विपद है? पहलवान नहीं थे, पहलवानों को रखते थे। अच्छा अच्छा, पहलवानों को रखना और पहलवान होना और पहलवान अखाड़े का होना अलग अलग। ये एक घोड़ा रहता है, अच्छा, घोड़ा को शौक से खरीदता है, तो पहलवान तो खरीदा नहीं जाता था, लेकिन उसको ऑर्डर होता था कि भाई आप रहिए यहाँ, खाना पीना जो आपको मिलेगा कसरत कीजिए, लड़िए। अच्छा, तो ये क्या पहलवान शादी करते थे कि नहीं करते? शादी करते थे, शादी भी उनकी होती थी, सब होती थी, लेकिन जो भी करते थे लिमिट के अनुसार। अच्छा, पहलवानी को देखते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, सुशील पवान के हमारे लड़के थे, रामनारायण पवान के लड़के हुए सब, अच्छा अच्छा इंजीनियर हुआ सब, एक से एक हुआ। तो समाज में कैसी इज्जत थी पहलवानों की? बहुत अच्छी इज्जत थी, चरित्रवान में उनकी इज्जत, साधुता में उनकी इज्जत, पैसा तो हो ही जाता था। अच्छा, अखाड़ा में लड़ते थे अच्छा ही नाम मिलता था, कोई सस्ती के समय में 2400-2500। अब जैसे हमारा आपका कुश्ती हो रहा है तो कितना आपका मांग है? भाई हम तो लड़ेंगे जरूर, लेकिन हमको 5000 रुपये चाहिए। अच्छा, आपको कीमत डाले तो ठीक है, 5000 रुपये कुश्ती हुआ, जो जीता सो लिया। अच्छा अच्छा, इस तरह का कॉम्पिटिशन होता था, दंगल होता था। महिलाएं लेकिन नहीं पहलवानी, पंजाब साइड में है, पंजाब साइड में है, लेकिन पटना वॉज वेरी फेमस फॉर पहलवानी। बिहार में तो पटना ही एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ पहलवानों का, और इसे था मुंगेर वगैरह भी था, लेकिन इस मुंगेर में भी था, इंटरनेशनल नहीं था, इंटरनेशनल नहीं था। और ये जो बढ़िया वगैरह होगा, बढ़िया वगैरह कौन, लोकल लोग था। अच्छा, यहाँ से बनारस का भी, बनारस तो क्या बात है, बनारस क्या बात है, हमारे मामा जी भी बनारस के पास, तम कोई एक स्टेट है जहाँ गामा पहलवान रहा। अच्छा 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 अच्छा, जिसका नाम भी तनु तमको ही स्टेट थे। अच्छा, वही दोनों भाई इमाम बख्त और गामा। अच्छा, उस भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब वो चले गए पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान जाना ही उनका मृत्यु का कारण बना। अच्छा, बढ़िया से खाना पीना नहीं मिला, इज्जत नहीं मिला, वहाँ रेस्पेक्ट नहीं मिला, रेस्पेक्ट जो रेस्पेक्ट भारत में मिलता था, जो भारत में मिलता था। अच्छा, उसके बाद ही उनका चला इमाम बस का लड़का था, पहलवान हुआ, भोलू असलम गोगा आकर अभी सब आया था, याद हो तो 57 में आया था गांधी में। मुझे भी बड़ा शौक रहा है पहलवानी का, लेकिन मैं बॉडी बिल्डर था, अभी तो भी बॉडी बिल्डर, मैं बॉडी बिल्डर था, और उस समय हमारे यहाँ एक ग्रीन यूथ क्लब हुआ करता था सैदपुर में, और एक बंगाली अखाड़ा हुआ करता था, और एक नाला रोड में नवरंग ब्रंथ ब्रह्मशाला थी, था ना, वो हम लोग सिर्फ बॉडी दिखाने के। तो आप बात कर रहे हैं 70 के दशक की, और सर बात कर रहे हैं 50 और 60 के दशक की, 50 और 60 के बीच। फिल्मों में भी पहलवानों का काफी ये था, जैसे दारा सिंह रहे, दबदबा था। दारा सिंह आया था उस समय, हम लोग गए थे। अच्छा, तो लोग फ्री स्टाइल लगता था, भारतीय कुश्ती का लीला परंपरा। अच्छा, भारतीय कुश्ती का लीला, भारतीय कुश्ती में ये जो खूबसूरती है वो फ्री स्टाइल में नहीं है, फ्री स्टाइल नहीं है। अच्छा, दाव पेच रहता था, दाव पेच से खड़ा होकर इस तरह मार देना, फूल की तरह पकड़ा, झटक के बांध दिया। तो अभी तो कुश्ती सिर्फ मेरे ख्याल से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में रह गई, नहीं है, इधर तो खत्म है, इधर खत्म है ना। क्या कारण मानते हैं? ना उतना को रईस को शौक रह गया, ना पहलवानी करने का कोई को शौक है, अब तो जमाना ही बदल गया। उस समय जान करके यदि 4 लड़के हैं आपके, एक को पहलवान बनाता था कि जिसमें घर का रक्षा कर सके। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहलवान बनने के लिए। तब जैसे ऐसे पकड़ के हम लोग दंड करते थे, तो समझ आई, बता दें आपको, अब जैसे ये किया। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे बाप। अच्छा, ये एक्सरसाइज पुशअप मारते थे, और मतलब ये यहाँ सट जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, और अच्छा, मतलब एक दो नहीं, दो दो हजार, 3-3 हजार, रामनारायण पहलवान 5000 दंड करते थे। अच्छा 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 अच्छा,
सुशील पहलवान 5,000 धन करते थे और 2,000 बैठक करते थे, बैठक मानी जाती। अच्छा देखा होगा। अरे अरे अच्छा इस तरह से बैठक। अच्छा 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 तो ये है हनुमान जी की फोटो लगा रखी है आपने है? हाँ। है? हनुमान जी भी पहलवान रहे हैं? हाँ, थे पहलवान थे ना, इनका नाम पहलवान लोग लेता थे, इसलिए में लोग या अली कहते हैं। अली हाँ हाँ। अब इसी तरह बजरंग बली। अच्छा या अली और बजरंग बली। हाँ। क्या बात है। So, पहलवानी एक तरह का मतलब कि एक एक पहलवान पहलवानी का जो एक टाइम था वो फिनिश हो गया ना। हाँ, लुप्त हो गया। अभी फिलहाल तो फिनिश है। सरकार भी ध्यान नहीं देती है। सरकार भी ध्यान नहीं देती है। ये तो चरित्र तो अच्छा जरूर होता है। अच्छा पहलवानों का चरित्र बहुत अच्छा होता है। अच्छा चरित्रहीन है तो फिर पहलवान मत, तब पहलवान हो ही नहीं सकता। तब हो ही नहीं सकता पहलवान, वो तो दमे नहीं, अब मारेगा एक हाथ वही में काम खत्म हो जाएगा। अच्छा ओ पहलवानी के लिए कैरेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाँ, इफ यू आर कैरेक्टरलेस यू कांट बी अ पहलवान। बजरंगबली को देख ली। अच्छा नाम आया काहे उनका नाम था, चरित्रवान थे। चरित्रवान थे। ये गुंडा बनवास भी पहलवानी करने का शौक है, ताकत बढ़ाने के लिए चला जा रहा है, लेकिन उस बात पे ही ना आएगा। अच्छा हाँ वो बात नहीं आएगी। स्थिति की मुगल काल में जो औरतें रहती थी, औरतें का हरम ज्यादा था, पहलवानों को भेजा जाता था। अच्छा अच्छा औरतों को माता बहन के समान समझता है पहलवान। उम्र की ब्याज तो बहन है या तो माता है या बेटी है, इस सोच तो। यानी पहलवानों की जो नजर होती है वो बहुत पवित्र होती है। जो असली पहलवान है वो असली पहलवान है। अगर आप कैरेक्टर लेस हो गए आप महिलाओं के प्रति, आप शिकायत हो जाएगा, आपको अखाड़ा से बाइकॉट कर दिया जाएगा। और अखाड़ा से भी बाइकॉट कर दिया जाएगा। अच्छा लड़की के पीछे। अच्छा हम लोग का समय था इसको कोई खबर बंगाली पहलवान लाठी से मार के भगाते थे। अच्छा बंगाली पहलवान का भी बड़ा नाम सुना। बंगाली पहलवान पहलवान को रखते थे या बनाते थे, पहलवान तैयार करते थे। वो कहाँ रहते थे? यही कन्नी एरिया, उनका पोता वगैरह है। ओ एक आदमी कहिएगा तो। अच्छा बंगाली टोला क्या उन्हीं के नाम से? नहीं नहीं बंगाली टोला उनके नाम से। अच्छा बंगाली पहलवान ये सब बात है 1930 से लेकर 50 के बीच का बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये जो पहलवान हैं इनका जो खाना पीना होता है। हाँ। वो क्या नॉन वेज वेज दोनों होता है? दोनों खाते थे। दोनों खाते थे। कोई कोई शाकाहारी थे प्योर। अच्छा कोई कोई पहलवान प्योर शाकाहारी। हाँ। थे कुछ लोग नॉन वेज भी खाते थे। हाँ, आप नॉन वेज का सेवन करते थे? मतलब नहीं, हम शाकाहारी। आप शाकाहारी पहलवान है, है? हाँ। यानी आपका ज्यादा जोर खाने पे क्या चीज पे रहता सर? दूध खाते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे। तो दूध दही और मक्खन ये शाकाहारी पहलवानों का। हम 4 किलो दूध पीते थे। 4 kg मिल्क। हाँ, दो किलो सुबह 2 किलो शाम। 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। ये गाय का दूध या भैंस का दूध? गाय का दूध। गाय का दूध। एक पाव मक्खन। एक पाव मक्खन। 100 ग्राम मक्खन। अच्छा बादाम पीते थे। अच्छा जो होता है काली बादाम को हमारे पीस के 40-50 बादाम 100 बादाम तक। अच्छा अच्छा जाड़ा के दिन में कसर का दिन रहता था तो खुराक बढ़ जाता था। मेन चीज है कि पवित्रता इन लोगों में माने नजर में जो आप बात बोले नजर एकदम पवित्र। अच्छा दूसरी औरतों को माँ बहन समझे। तब दूसरे के धन दौलत को? धन से लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। नहीं जैसे नजरिया जैसे औरत पे तो ठीक है, महिला पे तो अच्छे अच्छे लोगों का मन जो है वो बदल जाता है, और दूसरे का धन और दौलत जैसे दूसरे का जमीन मकान लोग तो दान कर देता तो समझिए तो आपका झंझट है तो हम जाके कब्जा किया आपको हवाले कर दिया। अच्छा पहलवान को बढ़िया भोजन बढ़िया। अच्छा। खाना। अच्छा बढ़िया से कसरत करने का सुविधा इसी का जरूरत था उसको, ऐसे दिनचर्या पैसा तो जरूरी है। जी 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 जी। और पहले के सेठ लोग मारवाड़ी लोग जो लोग थे बड़े बड़े जो थे पटना में भी जो पूंजीपति थे ये लोग खास करके रखते थे। अच्छा
पहलवानों को। हाँ, और पहले तो था कि फिटिंग पर जो बालिक जा रहे हैं तो पहलवान छाता इसे पकड़ के रहा है। अच्छा, तो ये बहुत से जो नए बच्चे देख रहे होंगे इनको पता नहीं होगा फिटिंग क्या है। फिटिंग क्या होता है बताइए जरा सा। क्या वो जो घोड़े वाली गाड़ी जिसको आप बता रहे? बराती निकलता ना है। जी जी जी, नहीं देखे दूल्हा जिस पर बैठा जाता है। हाँ, उसी टाइप का रहता। अच्छा अच्छा, ना तो ऐसे से हाथ रिक्शा था जो साइकिल रिक्शा है भी चलता ना है। हाँ, उसी टाइप पर समझ जाइए। अच्छा, उसमें आदमी जूता उससे बड़ा जूता था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो ये पटना में चलता था इस तरह का? चलता था, चल रहा अभी भी चल रहा है। तो ये जो पहलवानी का कोई चैंपियनशिप इस टाइप का होता था, कोई सीजन होता था? जैसे हम लोग सुनते हैं कि घुड़सवारी जो है, जो बसियोरा होता है, मतलब फागुन का जो होली के दूसरे दिन पटना सिटी से लोग घोड़ा दौड़ाते थे और दानापुर तक जाते थे, तो पहलवानों का के लिए भी कोई टूर्नामेंट इस टाइप का पटना में होता था क्या? पहले होता था, अब नहीं होता है। तो क्या कारण मानते हैं पहलवानी खत्म होने का, क्या कारण मानते हैं? पहलवानी खत्म होने का कारण अब आपको कैसे बताऊं? पहले जो पुराने लोग थे, जो उम्र हो गया था, खाड़ा छोड़ते गए, कुछ के कुछ काम बिल्कुल भी हो गया। जी जी, धीरे 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 खत्म हो गया। जिस तरह धोती का पहनना खत्म हो गया। अच्छा, धोती का पहनना जिस तरह खत्म हो गया। हाँ, धोती का पैजामा आप कम, बहुत कम लोग को दिखे, जब दिखे जीन्स का पैंट रखना चाहिए, बाजार में सिलाने का जो होता है खरीद लीजिए पहन लीजिए। पहलवानी तो उचित था नहीं कि मुफ्त में मिल जाए, उतना दूध पीजिएगा तो पचाने का जरूरत है, फिर दूध पिलाने वालों को भी चाहिए कोई इंटरेस्टेड। तो देखता था लोग ये, हाँ ये लड़का काम है। हाँ, जैसे राम बाबू का भतीजा भी पहलवान हुआ था, बालकी सिंह, चिंता करा हूँ बालकी। हाँ, बालकी सिंह का चिन्ह है। हाँ, म्यूजियम में हो। हाँ, तो क्या था तब हमसे कहें कि मुन्ना तो लगा हवा, मतलब कि वो कहें कि लगता है पाँच छः साल का था तो ऐसे ऐसे करके चलता था, उसको हम ही को सुपुर्द किया गया। हमने मित्र थे राम बाबू पहलवान। अच्छा, उन्हीं से मित्रता हमारी हुई तो हम इस राज में आए। तो राम बाबू पहलवान ने कहा कि भाई भतीजा हमारा है, तो मुन्ना तुम इसको संभालो, कसरत कराओ और साथ साथ रखो, इसको बनाओ। तो हम उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया, बनाना शुरू किया। तो बेचारे उसको शरीर पर नौकरी हुआ उसको, जैसे लखन पहलवान का छोटा भाई सरवन। सरवन तो जनान बाबू के दामाद हुए। तो सरवन जो है वो बदन हाथ तो पहलवान वाला था, लेकिन वो क्रिकेट खेलने लग गया। हाँ, क्रिकेट खेलने लग गया। अच्छा, कैसे इसको फिर से पहलवानी का जो ये है पटना में फिर से पहलवानी अगर स्टार्ट करानी हो तो क्या कुछ आपको लगता है कि कराया जा सकता है इसको शुरू? बिना सरकारी मदद के तो नहीं पूछ सकता है। अच्छा, पहले तो राजा महाराजा जमींदार लोग रहते थे, पहले बड़े बड़े पूंजीपति थे, उन लोग इससे इंटरेस्टेड थे। जब तक अब तो दारू पीने का इंटरेस्ट है, बाहर देखिए जाके नाच हो रहा है, डांस हो रहा है, तो इतना नीतीश कुमार कड़ाई किए हुए तो पर भी फेलियर है कि पास है नीतीश कुमार? हम तो कहेंगे फेलियर। फेलियर है, दारू बंद नहीं कर पाया। कहाँ दारू बंद कर पाए, तो बिकी रहा है, कल पकड़ा आज तो बिकी रहे, रोज तो सुन रहे हैं कि इतना लीटर इतना पकड़ा है, इतना करोड़ का माल पकड़ा है। लेकिन आप लोग के समय में तो दारू कम पीते थे लोग, पीने वाले पीते थे देसी शराब। देसी शराब पीते थे, पीता था। लेकिन पहलवान लोग दारू नहीं पीते थे? ऐसा नहीं था कि एकदम नहीं पीते थे, अब मालिक कहा थे एक मार लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, पिएगा तो कसरत क्या करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहलवान लोग भी एक आध पैग पी लेते थे? हाँ, मालिक के कहने पर। मालिक के कहने पर। अच्छा अच्छा, इज्जत रखते थे। अच्छा, अब जिसके साथ जा रहे हैं वो कह रहे गए पियो। अच्छा, ले लिया धू दिया कूला कर गए। अच्छा, बात भी रह गई, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, पिया और मुंह में रख के फेंक दिया। हाँ, मालिक की बात भी रह गई। हाँ, अच्छा, और
आपका तो इतना 85 साल की उम्र में भी आप हम लोग से ज्यादा यंग और तंदुरुस्त लगते हैं। अभी आपने उठक बैठक भी करके दिखाया, पुशअप भी दिखाया, और बैठने का स्टाइल भी आपका अभी भी वही है, हैं जो, अरे बैठिए ठीक है, ये नजर नहीं लगे, इसको उर्दू में माशाल्लाह बोलते हैं। हाँ माशाल्लाह मीन्स नजर नहीं लगे, हाँ माशाल्लाह मीन्स नजर नहीं लगे, गॉड की कृपा आप पे बनी रहे। सो